छोटे भाई ने सानवाज ने झगड़ा कर लिया है और वो झगड़े में हम लोग आ गए पुलिस स्टेशन। फेल इंसान है। हाँ मैं फेल हूँ। बोलो अगर रोजे से तो झगड़ा मत बात करो मत करो नहीं तो रोजे में अपने को थोड़ा शांत रहना चाहिए। हमको यही सिखाया गया है सब झगड़ा अपना काम नहीं। हाँ बराबर। 5 बजे से रात के 12 बज गए 7 घंटा हो गया। हाँ इफ्तारी भी यही खोला हूँ। जाना क्या हुआ फिर भी नहीं जा सकता क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम जरूरी है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है लेकिन तो अपन यहाँ जा सकते। ये वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगा या आज पोस्ट करूँगा। ओके गाइस नहीं आज ही कर देता हूँ एडिट करके फटफट। हाँ लुइस आज डालते हैं कल डालते हैं। आपने कल डाला था नहीं। हाँ तो फिर कल आज ही डालते हैं। आज डालना है। आज डालते हैं कल के लिए कुछ और शूट। माइक वाला माइक नहीं लेके आया हूँ आज मैं। फेल इंसान है। हाँ मैं फेल हूँ। फेल तुम पास हो। ऑलवेज पास हो। अबे चल फेल 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 फेल। दोस्तों मालूम नहीं मेरा ब्लॉग पूरा होएगा कि नहीं होएगा क्योंकि थोड़ा सा मैटर हो गया। मेरे छोटे भाई ने सानवाज ने झगड़ा कर लिया है और वो झगड़े में हम लोग आ गए पुलिस स्टेशन। इफ्तारी भी यहीं खोला हूँ और वो भी इफ्तारी चौकी में खोला है। तो अपने दोस्त लोग आए यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी देने मुझे। Hasnain07 क्या हो रहा है रो रहे क्यों। टेंशन मत लो आ जाएगा आधे एक घंटे में बाहर आ जाएगा आपके। ओके बस यही चाहिए था। अरे क्या बोलते भाई क्या हो गया काम हो गया अपना भाई बाहर आ रहा है। हाँ इंचल टेंशन नहीं है। हाँ टेंशन वेंशन नहीं लेने का अपना भाई। बारी बार आ रहा हूँ क्या अफतारी के बारी बार आ। हाँ अफतारी करके ही बाहर आओ उससे पहले मत आओ क्योंकि फुल जलाल में घूम रहे अपना क्योंकि फास्टिंग रहती है पेट में कुछ गया नहीं रहता फुल गुस्सा एकदम याद चला रहता है। तो अभी गुस्सा उसका पूरा ठंडा हो गया रहेगा। आज पुलिस स्टेशन में खोला है ना इफ्तारी। अभी बाहर आएगा तो मैं मिलाता हूँ उससे आप लोग को। हाँ फैस। हाँ भाई। हाँ नहीं करना चाहिए ना भाई ये सब। देखो कैसे बताए रोजे में अपने को थोड़ा शांत रहना चाहिए। हमको यही सिखाया गया है ये सब झगड़ा अपना अपना काम नहीं है। हाँ बराबर। और जब भी झगड़ा हो तो बोल दो मैं रोजे से। हाँ मैं रोजे से हूँ बोल के और सामने वाले को ये पूछना चाहिए झगड़े से पहले कि तुम रोजे से हो कि नहीं हो। हाँ बराबर बराबर। दोनों अगर रोजे से तो झगड़ा मत बात करो मत करो नहीं तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। और वो हाँ रोजे से नहीं हो तो भी झगड़ा मत करो क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं रखा है। झगड़ा करने के बाद समझ में आता है जब आप पुलिस स्टेशन आते हो। मैं तो बोलता पुलिस स्टेशन की शक्ल ही मत देखो ऐसा काम ही मत करो है ना भाई। झूठ नहीं बोल रहा हूँ दिखा देता हूँ देखो पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ मैं। 5 बजे से रात के 12 बज गए 7 घंटा हो गया। हाँ तो आज मेरी तरावी भी छूट गई नमाज भी छूट गई क्योंकि अपने भाई को छुड़ा के लेके जाना था यहाँ से। और बहुत भूख लगी है बहुत चक्कर आ रही कुछ भी नहीं खाया हूँ। एक पानी पी के और एक पार्ले जी खा के मैं रोज़ा खोला हूँ आज। पहली बार नहीं और बार भी खोल चुका हूँ मगर मैं आज ये ब्लॉग मेरा मैं बताना चाह रहा था कि प्रॉब्लम क्या आई है इसके लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं ब्लॉग डाला नहीं। ओके गाइस तो ये दिखाना ज़रूरी था आप लोग को। डेली ब्लॉग बना रहे हो ना मैं तो ये भी आएगा ब्लॉग में। फाइनली मैं छुड़ा के लेके आ गया हूँ मेरे भाई को सानवाज को पुलिस स्टेशन से। तो कैसा था एक्सपीरियंस पुलिस स्टेशन का। एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में पहली बार पुलिस स्टेशन में इफ्तारी की। भाई लोग ने लेके आया था इफ्तारी और उसके बाद एक उसमें मुस्लिम भी था शायद तो मैं उसको भी बुला ले लाओ भाई साथ में इफ्तारी करते हुए। तो दोस्तों मैं इफ्तारी किया था इफ्तारी भी क्या किया था मैं बताया तो आपको। एक पानी की बोतल और 2 बिस्किट से मैं इफ्तारी किया था। अब जा रहा हूँ कुछ खाने बहुत ज़ोर की लगी है भूख और चक्कर आ रही है मुझे तो हम जा रहे हैं सीख पराठा खाने। तो यहाँ पे हो रही है टेंशन है दावत। टेंशन से निकल के हम लोग आए खाना खाने मेरे भाई को छुटा देखो अभी भी टेंशन में सीख खत्म हो गई है क्या करूँ सीख इसके लिए खिला रहे कि कुछ सीख मिल जाए इसको सीख खिलाई जाए ताकि इसको सीख मिले जिंदगी में। अपने भाई को भी सीख खिलाओ सीख सीख मिल गई मतलब सीख खाना चाहिए ताकि जिंदगी में सीख मिले। हमारा टेंशन कम हो गया हमारे पास सीख आ चुकी है अभी दावत के टेंशन खत्म करते हैं। ओके
तो दोस्तों आज वर्कआउट नहीं हो पाया मेरा, मगर मैं जिम आया हूँ सिर्फ जिम देखने के लिए। वर्कआउट कोई नहीं कर रहा मगर जिम देखने के लिए सब आए, मैं भी जिम देखने के लिए आया। मैंने एक जगह वर्कआउट करी थी, वो है वर्सोवा चौकी के बाहर खड़े खड़े अपने भाई का इंतजार करते हुए। भाई बाहर आ गया तो वर्कआउट हो चुका है पूरा, यही है मेरा आज का वर्कआउट। मतलब मेरा भी यही वर्कआउट है, फिर सेम तुम्हारा वर्कआउट मेरा वर्कआउट। पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ हम लोग का वर्कआउट आज, मालूम है कब से? मैं सुबह शाम को 6 बजे से था वहाँ पे और वहाँ से मैं निकला 1 बजे। ताकतदारी है ओआरएस से आज बोल रहा, ताकत आ रही है क्योंकि आज बीमार चल रहा है, थोड़ा सा कमजोरी आ गई है। दुआ करो मेरी, दुआ करो कि अल्लाह मुझे ताकत दे, हिम्मत दे। तरावी अच्छे से पढ़ो, नमाज अच्छे से पढ़ो, तुम्हारी पूरी बॉडी मजबूत रहेगी। पढ़ रहे नहीं हो सही है। अरे बाप रे, सच्चाई नहीं बोला था, वीडियो चालू हुआ तो सच्चाई बोलना स्टार्ट किया। अरे भाई वो हम लोग को पकड़ लिया, हम लोग की गलती थोड़ी, हम लोग देखो बीमार चल रहे। नहीं नहीं गलती तो है, ये क्या प्लान बनाए थे इन लोग पता है? इन लोग प्लान बनाए थे की हम लोग जा तो रहे, लेट हो गया, हम लोग बोल देंगे कि हम लोग को पुलिस पकड़ ली थी और ये हुआ इन लोग के साथ। इन लोग सोचे हम लोग को झूठ बोल देंगे, मगर अल्लाह ताला ने इन लोग को सबक दे दिया। लेकिन पहले से प्लान करके नहीं बोलेगा, प्लान तकलीफ देता है रमजान के टाइम। झूठ बोलने के लिए प्लान मत करो, जो हो जाए बता दो भाई, जो सच्चाई है। नहीं पढ़ पाए तो 2 रकात बता देने का, ऐसा मुझे तो गलत हो जाता है। पहली बार फिर नहीं बोल सकते लोग को मेरे लिए दुआ करवाना चाहिए तो, लेकिन ये करो वो करो, आदमी बाहर। अच्छा इंसान को कुछ हुआ नहीं है फिर भी दुआ कराओ, वाओ। कमजोरी की वजह से बॉडी शेमिंग कर रहा है तू? अरे मतलब ऐसा बोलेगा तू मेरे को भाई? ये चीज गलत है, ऐसा दूसरों का मजाक नहीं बनाते। तबीयत खराब है तो तबीयत खराब है, दवा खाना लेके जाना चाहिए। लेके चलो 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 फटफट गाड़ी निकालो, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब इसमें इतनी एनर्जी है यार, देख लो आप लोग भी देख लो। हाँ आप लोग अगर भी आज जैसा बीमार हो गए ना तो ये पीना, आज जैसा बीमार हो गए तो बीमारी का मजाक बन चुका है। जैसा बीमार, ये अलग बीमारी लेके आया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मेरी पुलिस पकड़ ली थी पक्की में पकड़ ली भाई, यकीन मानो। पहले बना रहा था, अब बता तो सच्चाई बताओ। पहले मैं ना भाई बोल रहा था कि 4 रकात छूटी आएगी तो हम लोग बोल देंगे हम लोग से हो गया भाई, पुलिस पकड़ ली। मगर हम लोग को पता नहीं था कि ऊपर वाले की अल्लाह ताला की फटकार ऐसी पड़ेगी कि रियल में पुलिस रियल में पकड़ लिया। 200 रुपए जमा कर लिया हम लोग का, चार छूट डाली थी लेकिन लास्ट के चार 200 रुपए भी ले लिया भाई, वो भी सोचो तुम लोग 10 गया फाइन पड़ा 200 रुपए। हां पाउटी दिया तो नहीं भाई, बस दिया होगा तो कहीं गिरा दिया होगा। चलो अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर, तो मैं मेरे दोस्तों को कर देता हूँ अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट। गाइस मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, चल मिलता हूँ कल, ठीक है? तो दोस्तों फाइनली आ गया हूँ मैं मेरे घर और साथ ही साथ में ये ब्लॉग कर रहा हूँ यहाँ पे एंड। तो दोस्तों ये ब्लॉग थोड़ा सा छोटा है आज का बना, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। और मज़ा आएगा तो कमेंट करके बताना है, ओके? तो लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड।